गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ दिस इज नरेंद्र कौर योर इंग्लिश टीचर फ्राम स्कूल यू पी एस कलगुण ओके बेटा फ्रॉम लास्ट टू थ्री डेज वी आर डिस्कसिंग अवर टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द मेन पोर्शन नाउ वी आर एट द कंक्लूजन पॉइंट तो जैसे मैंने आपको पर, थोड़ा सा मैं कैप्चुलेट फिर करा रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या है दैट इज़ इंक्रीज़ इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ एटमासफियर और उससे क्या इम्पेक्ट होते हैं जैसे सूखा पड़ता है हमारे जो वेट लैंडस हैं वो ख़त्म हो गई हमने हमने जो ये कंस्ट्रक्शन की अन प्लान अर्बनइजेशन हो गई इससे हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ग्लोबल इससे क्या हो गया ग्लोबल वार्मिंग से हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स बाहर से यहाँ आते थे या यहाँ वो भी आने बंद हो गए हमारे जो ग्लेशियर्स हैं मेल्टिंग मेल्ट हो रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट तो ये हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया आज थोड़ा सा अब इसको कंक्लूजन पे है तो क्या क्या हो रहा है कि जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कोलहाई ग्लेशियर या वो जो इंडेक्स ग्लेशियर है हमारे वो भी पिघल चुके हैं लगभग एटीन परसेंट अब देखो वो भी कैसे वहाँ कैसे टेम्परेचर रेज होता है आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई अगर वहाँ ग्लेशियर है तो ग्लेशियर ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टेम्परीचर इंक्रीज़ होता है मगर वो ज़्यादा वहाँ कैसे होता है वहाँ क्या हो रहा है कि वो किस वजह से वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है एक्चुअली बेटा आपने देखा होगा जो ग्रीन हाउस गैसेज है पोल्यूशन बाय ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज किसके ज़रिए इंक्रीज है व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती जा रही है गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है या सीमट प्लान्ट जो हमारे सीमेंट के हमने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ लगाए हैं यहाँ पे उस वजह से भी हमारे ग्लेशियर्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और उसकी और उसके अलावा एक और चीज़ है मेन जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग नियर द ग्लेशियर्स बाय गुजर एंड बकरवाल्स या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पिलग्रमेज एंड टूरिस्ट सेंसिटिव रीजन कुछ रीजन ऐसे होते थे जहाँ पे लोगों का जाना प्रोहेबिटेड था लेकिन अब आ, आज आजकल हमने ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बन गया कैसे जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं जो अपने जानमाल मवेशियों को लेके विंटर्स में आ, आगे बढ़ते हैं वो चलते ही रहते हैं कभी कहीं कभी कहीं तो वो अपने जानवरों को लेके पहाड़ी इलाकों की ओर जब जाते हैं तो वो अपने टेंट वगैरह जो है उन्हीं ग्लेशियर्स के पास लगाते हैं तो वहाँ वहाँ पे वो खाना भी बनाते हैं गैस भी जलाते हैं या इसके अलावा जो हमारी पिलग्रिम्स हैं जो जैसे अमरनाथ श्राइन है हमारे जो वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों की तादाद में जो पिलग्रिम्स हैं वो वहाँ आते हैं लोगों का रश बढ़ता है और जिस वक्त से लोगों का रश बढ़ता है लोगों लोगों को खाने की चीज़ें भी हम वहाँ खाते हैं वहाँ पर हम पल्यूट करते हैं एटमोसफियर को भी करते हैं इससे क्या होता है गैस जलते हैं फिर देखो ना छोटी छोटी दुकानें पड़ जाती हैं ऐसे ऐसे जो रश बढ़ जाता है उससे भी टेम्परेचर में रे, रेज होता है और जिससे वजह से हमारे ग्लेशियर जो हैं जो मेन ग्लेशियर हमारा है जिसको इंडेक्स ग्लेशियर कहते हैं कोल्हाई ग्लेशियर जो लदर वैली है पहलगाम में तो वो रिड्यूस होता जा रहा है वो सीट होता जा रहा है पिघलता जा रहा है अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में एक अदारा बन गया जिसका नाम है टेरी टी ई आर आई तेरी इसका फुल फॉर्म क्या है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन्होंने ये जो तेरी है जिसको एनर्द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है इन्होंने क्या किया है इन्होंने कोलहाई ग्लेशियर को जो वेस्ट लिदर वैली में पड़ता है इसको इंडेक्स ग्लेशियर के तौर पे लिया अब वो इसी की स्टडी कर रहे हैं और इसी को स्टडी कर रहे हैं ताकि वो हमारी जो रिसेशन रेट है वो देखें ग्लेशियर्स की और लिदर वैली का जो ट्वेल्व हंड्रेड स्क्वायर मीटर एरिया है दैट इज़ दैट कवर्स वो जो कोल्हाई ग्लेशियर है वो ज़्यादातर लगभग 1200 सौ किलोमीटर से ज्यादा का एरिया उस कोल्हाई ग्लेशियर ने कवर किया हुआ है और इसी को इन्होंने इंडेक्स ग्लेशियर किया है और उसके बाद दे, दे हैव सजेस्टेड सम रिकमेंडेशंस उन्होंने हमें कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिसके वजह से टू ब्रिंग डाउन द रिसेशन रेट ऑफ द ग्लेशियर जिसकी वजह से हम ग्लेशियर्स की जो पिघलती हुई रेट है मेल्टिंग रेट है इसको कम कर सकें ठीक है ये बहुत जरूरी है जो रिकमेंडेशन हमें इन तेरी यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट वालों ने दिखाई है वी हैव टू फॉलो दैट इन रिकमेंडेशन अदरवाइज वो अदरवाइज जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुमाकाल के जो बच्चे हैं दे हैव टू बेयर द हैवी बर्डन ऑफ आवर इन सॉरी इनडिफ्रेंस इफ़ वी डू नॉट एक्ट टूडे कहते हैं अगर हम उनके कही जो उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दी हुई हैं उन्होंने जो हमें कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि किस तरीके से हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें अगर हमने आज वो कदम नहीं उठाए तो आ, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है जो हमारे आगे की जनरेशन उन बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा इन डिफरेंसिस इफ वी डू नॉट एक्ट टूडे सो वी नीड टू वर्क विद अदर स्टेक होल्डर्स फॉर डेवलपिंग ए रोबस्ट स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सिस इन द रीजन क्योंकि दिस इज आवर वाटर टावर हिमालय जो है वाटर टावर है हमारा द कस्टोडियन ऑफ वाटर जो है वाटर टावर ऑफ एशिया हमारे पास है कांट अफोर्ड टू बी complacent, ठीक है सो so, हमें स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हम जो ये ग्लोबल वार्मिंग है और जो हम सबसे मेन जो है हमारी जो रिसेशन रेट है ग्लेशियर्स की हम उसे कम कर सकें ताकि हमारी जो है फ्यूचर जनरेशन उसे सफ़र ना करना पड़े सो so, बीइंग ए स्टूडेंट आपको भी देखना चाहिए जो हमारे वाटर रिसोर्स हैं वहाँ वो पोल्यूट तो नहीं हो रहे हैं हम कोई ऐसा गलत डिफ़ारेस्ट्रेशन तो नहीं करें अगर हमारे बड़े कुछ एक दरखत काटते हैं हमें उन्हें समझाना है क्योंकि अब आज का जो स्टूडेंट है कल कल का हमारा फ्यूचर है तो आपको आपने उनको समझाना है कि भाई अगर आप डिफारस्ट्रेशन की ओर बढ़ोगे तो इससे हमारा हम जो है हम डिज़ास्टर की ओर बढ़ते जाएंगे ठीक है बेटा होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली ओके थैंक यू